नंदिनी पुलिस आई है, वो मेरा प्रोफाइल मेट्रोमोनियल साइट पर अपलोड हुआ था ना, पुलिस उसी के बारे में चेक करने आई है। ये कह रहे हैं कि वो प्रोफाइल यहीं से अपलोड हुआ है। तू कुछ जानती है उस बारे में बेटा? एक्चुअली मैंने ही प्रोफाइल बनाई थी और मैट्रिमोनियल साइट पर भी मैंने ही डाला था। नंदिनी तूने क्या, तुझे क्या मिला अपनी माँ को इस उम्र में शर्मिता करके, बोल। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा शादी करें और दोबारा हैप्पी मैरिड लाइफ जिए। अरे निर्लज बेहया, क्या बकरी है, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? अपनी माँ की शादी करवाना चाहती है? अरे बेशरम, ये तो सोच कि समाज क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी, सब क्या कहेंगे। समझ गई मैं सब समझ गई, तेरा किया धरा हुआ है, तेरी पढ़ाई बोली बोल रही है तेरी बेटी। दादी इसे पहले मैं मरी क्यों नहीं गई, ये क्या? अम्मा दादी, दादी मम्मा ने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मम्मा की फिर से शादी हो, वो खुश रहे। तू एकदम चुप हो जा, अभी के अभी जाकर ये बकवास डिलीट कर। मम्मा सुन रही कि नहीं, डिलीट कर। मेरी बेटी की वजह से जो भी परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। बच्ची है ना, पता नहीं उसे वो क्या चाहती है। मैं पुलिस स्टेशन आकर अपनी रिपोर्ट वापस ले लूँगी। आप लोगों ने मेरी जो भी मदद की उसके लिए थैंक यू। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिए अपना, हम चलते हैं। चल संतू। तो ये दो तीन डिज़ाइन है कार्ड्स के लिए, हमें ना ये वाला बहुत पसंद है, एकदम सिंपल सोबर और कुछ ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं। आपको कैसा लगा? अच्छा है। हाँ हमें भी यही अच्छा लगा। पता है हमने ना अम्मी से कहा था कि सिर्फ सगाई के लिए इस तरह का कार्ड वगैरह की तकल्लुफ करने की क्या ज़रूरत है, पर आप तो अम्मी को जानते हैं ना, जो सोच लेती है वो करके रहती है। वैसे इसमें कलर ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, गोल्डन है, सिल्वर है, पर हमें तो अभी यही अच्छा लग रहा है। जो आपको ठीक लगे सिराज। आप ठीक हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ हम ठीक हैं, हमें क्या हुआ है? हम बिल्कुल ठीक हैं सिराज जी। नहीं पिछले कई दिनों से आप खोए खोए से, लॉस्ट, किसी और ही दुनिया में लग रहे हैं, इसलिए हमने पूछा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है ना, कि एक ही प्रोफेशन में होने का ये नुकसान तो है, हम दोनों पुलिस वाले, हम दोनों जो है सच को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए हम दोनों चाहकर भी कभी एक दूसरे से झूठ नहीं कह पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि हम आपसे झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पुलिस वाले भी कभी कभी गलत हो सकते हैं, हो सकता है कि आप सच बोल रहे हो। तो आप क्या करेंगे, हमारा लाइट डिटेक्टर टेस्ट? नहीं उसकी जरूरत आपको है, हम तो खुद चलते फिरते लाइट डिटेक्टर है, आंखों में देखकर बता सकते हैं कि आप सच कह रहे हैं या झूठ। हमारी तरफ देखिए, अब हम जो सवाल करेंगे आप उनके सीधे सीधे जवाब देंगे आंखों में देखकर। क्या आप किसी चीज को लेकर परेशान हैं? नहीं। झूठ? ठीक है, वो कुछ उलझने हैं काम के संबंधित, बस और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा सवाल, काम से संबंधित जो उलझने हैं वो क्या बहुत ज्यादा सीरियस है, मतलब इतनी कि हमें आपकी फिक्र होनी चाहिए? नहीं। पीप पीप, झूठ। जी नहीं हसीना जी, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी आपको फिक्र करनी चाहिए, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है चलिए मान लेते हैं। अगला सवाल, आप हमसे प्यार तो करते हैं ना? हाँ।
सही जवाब। आखिरी सवाल, आप सच में ये शादी करना चाहते हैं? हमें लगता है कि हमारी सगाई के लिए ये कट सही रहेगा। सही जवाब। तो ये थी अब तक की अपडेट मैडम सर। शालिनी जाएंगी, अपना रिपोर्ट वापस लेंगी। दी एंड, केस खत्म। जय राम जी की। वैसे बहुत अच्छा हुआ, आप कोई केस नहीं है तो सगाई की तैयारियां बहुत अच्छे से होंगी, कोई स्ट्रेस नहीं है लाइफ में। नहीं नहीं करिश्मा से। नंदिनी तुम यहाँ? मैडम सर ये नंदिनी है, शालिनी जी की बेटी। हाय हेलो, आप यहाँ कैसे? मैम मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प? अब का हेल्प चाहिए? नहीं तुमने मान लिया ना, तुमने बनाया था फेक प्रोफाइल, तुम्हारी मम्मा ने भी माफी मांग ली, तो हो गया ये तो सॉल्व। वैसे तुमने जो किया है वो ठीक नहीं किया है, वो गलत था। कुछ गलत नहीं किया मैंने, जो किया बिल्कुल ठीक किया, और दोबारा मौका मिले तो फिर से करूंगी, बार बार करूंगी। जब तक मेरी मम्मा को वो सारी चीजें नहीं मिल जाती, वो लाइफ, वो खुशियाँ जो वो डिजर्व करती है, मैं ये करती रहूंगी। मैम मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी मम्मा खुश रहे, और इसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी, चाहे इसे कोई सही समझे या गलत। नंदिनी नंदिनी रिलैक्स, शुरू से शुरू करो। मैम मैं 2 साल की थी जब मेरे पापा गुजर गए, तब से लेके आज तक मम्मा ने मम्मी पापा दोनों की जिम्मेदारियां पूरी की, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पर आ गई थी। एक सेकंड के लिए भी ये फील नहीं होने दिया कि पापा हमारे साथ नहीं है। जिस उम्र में लड़कियों की शादी होती है ना, उस उम्र में मम्मा ने पापा को खो दिया, और साथ में अपनी खुद की लाइफ भी। उनकी पूरी जिंदगी बस मेरे आसपास सिमट कर रह गई। मेरा करियर, मेरी खुशियाँ, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, ये सब सोचते सोचते वो अपने लिए जीना भूल गई। जब मैं उनसे कहती थी ना कि कोई नए कपड़े पहन लो, तो पता क्या कहती थी? छोड़ ना नंदिनी, क्या होगा, मुझे कौन देखेगा। जब अकेली होती है ना तो अपने लिए खाना भी नहीं बनाती, कहती है छोड़ ना, अब अकेले के लिए क्या बनाऊँ मैं। पेंटिंग, पोएट्री, म्यूजिक, जो एक टाइम पर उनका पैशन हुआ करती थी, वो बस स्टोर रूम में पुरानी दीवारों के साथ उन्हें दीमक खा गई, और अब वो मेरी शादी कराना चाहती। पर अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, कैसे रहेंगी मम्मा, कौन रखेगा उनका ख्याल, किसके लिए जिएंगी वो। इसलिए मैंने सोचा है अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है तो मामा को अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, फिर से एक बार किसी को अपना कर अपनी जिंदगी को एक नया मौका देना चाहिए। कोई तो हो जो उनका अकेलापन दूर करके उन्हें जीने के लिए वजह दे, उनका साथ दे। मैंने सोच लिया है, जिसे जो सोचना है सोचे, जिसे जो बोलना है बोले, मैं अपनी मामा की शादी करवा के रहूंगी, और जब तक मामा की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। पर इस मामले में नंदिनी हम क्या मदद कर सकते हैं? मैम मैंने इस थाने के बारे में बहुत कुछ सुना है कि यहाँ दिल की बातों को बड़े दिल से सुना जाता है, जिस प्रॉब्लम में जज्बात जुड़े हों उसका सॉल्यूशन भी जज्बात के साथ दिया जाता है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करें ताकि मैं अपनी मम्मा की शादी फिर से करवा सकूं। नंदिनी बैठो, आओ। नंदिनी हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, समझ ली हैं, लेकिन एज पुलिस हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? ये देखिए, ये वो लास्ट मैसेज है जो मम्मा का प्रोफाइल डिलीट करने से पहले उनके अकाउंट पे आई थी, और इसमें नीचे मैसेज भी है, शालू क्या सच में तुम ही हो? हाँ लेकिन कोई लफंडर भी तो हो सकता है ना? नहीं आई डोंट थिंक सो। एक मिनट, ये देखिए मैडम, ये फोटो 25 साल पुरानी है, मम्मा की फेवरेट बुक में से मिली है, और इसके पीछे कोट भी है, सच्चा दोस्त वही है जो तब भी साथ निभाए जब दुनिया साथ छोड़ दे। मैम मुझे ये लगता है कि यही वो इंसान है
जो मम्मा की लाइफ में खुशियां वापस ला सकते हैं। आप मेरी हेल्प कीजिए ना मम्मा को कन्विंस करने के लिए कि वो इनसे शादी कर ले। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारी माँ की जिंदगी में फिर से वो खुशियां ला सकें और तुम्हें दिल का सुकून मिल सके। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे इसमें। मैडम सर, फाइल्स मिल गए। अरे नंदिनी, तुम यहाँ? तुम्हारा केस तो सुलझ गया था ना? हाँ सुलझ गया था पुष्पा जी, लेकिन फिर से नंदिनी आई है, उनको मदद चाहिए, वो अपनी मम्मा की शादी कराना चाहती है जी, और मैडम सर इसमें उनका हेल्प करेंगे। हम सब इसमें उनकी मदद करेंगे। मैडम सर, ये भी कोई उम्र है इन सब चीजों के लिए? पुष्पा जी, आप फिर से उम्र वाली बात क्यों कह रही हैं? आप पहले भी कह चुकी हैं और तब भी हमने आपसे यही कहा था कि अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ मगर मैडम सर, हर चीज का एक वक्त होता है, एक सलीका होता है। पुष्पा जी देखिए, क्या है कि हम अब नंदिनी को प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम उसकी मदद करेंगे, तो हम उसकी मदद करेंगे, हम अपना वादा तोड़ नहीं सकते, और इस काम में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, हमारा साथ दें। ऑर्डर नहीं है, गुजारिश है। मैडम सर, इसमें गुजारिश वाली क्या बात है, हम तो हर हाल में आप ही के साथ हैं। थैंक यू। नंदिनी एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये, क्या नाम बताया इनका? समीर जी। समीर जी, समीर जी शालिनी जी के लिए सही हैं, उन्हें पसंद करते हैं? क्योंकि मैम शायद ये उन्हें पहले से जानते हैं, कॉलेज टाइम पे वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, और इस वक्त मम्मा को ऐसा कोई इंसान चाहिए जो दोस्त से बढ़कर हो उनके लिए, और मुझे लगता है कि यही वो इंसान है जो मम्मा के लिए दोस्त से बढ़कर एक साथी होंगे उनके लिए। हाँ नंदिनी, तुम्हारा बात एकदम सही है, लेकिन उनके दोस्ती को ना भी काफी वक्त हो गया है, तो उनके दोस्ती की क्या स्थिति अभी हमको नहीं पता ना, सिर्फ इस कारण कि उन्होंने तुम्हारी मम्मा के प्रोफाइल पे कमेंट कर दिया कि क्या ये तुम हो शालू, या तुम्हारी मम्मा के पुराने बुक में उनका फोटो मिल गया, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो आदमी तुम्हारी मम्मा के लिए एकदम करेक्ट है, एकदम सही आदमी है। क्या गारंटी है इस बात की कि वो अभी भी बिल्कुल सही इंसान है? तो कर लेते हैं गारंटी, परख लेते हैं कि ये इंसान करेक्ट है या नहीं। तजुर्बा कहता है हमारा कि पछताने से सावधानी भली। समीर जी से कॉन्टेक्ट करने का क्या तरीका है? उन्होंने मम्मा को अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेल किया था। ग्रेट, तो फिर कीजिए उन्हें फोन और इनवाइट कीजिए। कहाँ मैडम सर? डेट पे। शालिनी जी की तरफ से मैसेज भेजिए समीर जी को कि वो उन्हें इनवाइट करना चाहती हैं डेट पे एक कॉफी हाउस में। वहां पर परखा जा सकता है कि ये जो समीर जी हैं वो तुम्हारी मम्मी की जिंदगी में हीरो बनकर आए हैं, साइड हीरो बनकर आए हैं, या फिर शायद कहानी में रहने लायक ही नहीं। इनफैक्ट हम खुद वहां जाकर। नहीं मैडम सर, आप तो कहीं नहीं जाएंगी, आप घर जाएंगी, आपकी सगाई की बहुत सारी तैयारियां बाकी है, मेहरबानी करके थोड़ा उधर ध्यान दे दीजिए, नहीं तो अम्मी जो है वो हमको मार देंगी। हमारी जान बचाइए, आप घर पहुंचिए, ये मामला हम समझाते हैं, हम समझते हैं इसको। ठीक है। क्या आप श्योर हैं कि हमारा ये प्लान सक्सेसफुल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, जरूर होगा। संतु, अब क्या रण सिंह का बजाय तुम्हारे लिए तब आऊंगी? आओ ना, इतना फुटेज खाए खा रही हो, जल्दी आओ ना। हाँ पे बैठ सकती हूँ? Sorry, I'm waiting for somebody. Oh, no problem. अभी मैं इधर बैठ जाती हूँ। जैसे ही आपका सम्मन को इधर आ जाएगा, मैं उनको उधर भेज दूँगी। I'm kidding. जैसे आपके सम्मन आ जाएगा ना, मैं उधर चली जाएंगी, ओके? तो क्या है ना, अकेले ईचिंग का हैबिट नहीं है, इसलिए। नहीं, हेलो हेलो हेलो, यानी प्लीज, दिस प्लेस इज रिजर्व फॉर समवन स्पेशल। और जो जगह स्पेशल होती है शेयर नहीं की जाती है, सो प्लीज।
वैसे इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यहाँ इस वातावरण में तो वी कैन गो समवेयर एल्स. ओके देखो बेटी. बेटी? यस बेटी, मैं यहाँ ठीक हूँ. मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे. मुझे यहाँ से बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तुम अपनी उम्र की कंपनी देखो. Whatever. हाँ बैठो, कहाँ जा रही हो? उन्होंने बेटा कहा ना तो? अरे तो इसका मतलब ये अच्छे इंसान है, जेन्युइन पर्सन है. हमें उनसे बात करनी चाहिए. अम्मा परीक्षा अभी बाकी है. अभी इतना ही प्रूव हुआ है कि उन्हें अपने से छोटी उम्र वाली लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है. पर ये तो प्रूव नहीं हुआ ना कि बाकी औरतों के साथ उनका क्या रवैया है. वो तो देखना है ना. अभी दूसरी हीरोइन की एंट्री होने दो, फिर देखते. दूसरी हीरोइन? मतलब हिंदी की चलचित्र अदाकारा, उच्च कोटि की प्रख्यात अभिनेत्री, अभिनय का तूफान, अदाकारी का जलजला और ओवर एक्टिंग जो है ना उसका सुनामी, हमारी प्यारी पुष्पा जी, वो अभी आ रही है. जी, ये रुमाल शायद आपका गिरा. बहुत बहुत शुक्रिया. Well, ऐसा क्यों देख रहे हैं आप? नहीं पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमने आपको पहले भी कहीं देखा है. सॉरी मुझे नहीं लगता कि मैं इससे पहले भी आपसे कभी मिल चुका हूँ. शायद पिछले जन्म में. Just joking. क्या कर रही है? ऐसे कौन बात करता है? अभी तो शुरू हुआ है, अभी आगे देखो. आपको देखते ही हमारे दिल की गहराइयों में से कहीं से एक आवाज आई कि ये तो हमारी पहली मुलाकात नहीं, ये कोई अजनबी, अनजाना, बेगाना, पंचनामा नहीं है. मतलब ये कोई गैर नहीं है, ये तो कोई अपना सा है जिसे हम कई जन्मों से जानते हैं. देखिए बहन जी, अब मैं यहाँ किसी खास का इंतजार कर रहा हूँ जो बस अभी आने ही वाली है. सो प्लीज एक्सक्यूज मी. खास? मैम, मुझे नहीं लगता कि अब इनको और आजमाने की जरूरत है. मैं उनसे बात करने जा रही हूँ. हाय. अब आपको क्या चाहिए? एक्चुअली मेरा नाम नंदिनी है. मैं शालिनी शेखर की बेटी हूँ. एक्चुअली मैंने ही आपको बुलाया था मैसेज करके. ओके सो बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई हो. शालिनी आई? शालिनी आई? ओके तो आप इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह हैं जी. और नंदिनी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मम्मी को उनकी सेकेंड मैरिज के लिए कन्विंस करूं. राइट. कैसे? मतलब कैसे कर सकता हूं मैं ये? हो सकता है सर मिलकर बात की जा सकती है. आप काफी टाइम से उन्हें जानते हैं, आप काफी पुराने दोस्त हैं और एक जमाने में काफी करीबी दोस्त भी थे. उनसे मिलकर उनसे बातचीत कीजिए. उनको इतना कंफर्ट आप दे दीजिए कि वो अपना दिल का बात आपसे कर सके जैसे वो पहले करती होंगी आपसे. फिर मौका देख के हम भी उनको समझाने का कोशिश करेंगे कि जिंदगी जीने में और जिंदगी काटने में कितना फर्क होता है. और ये काम आप आज से और अभी से शुरू कर सकते हैं सर. हाँ लेकिन प्लीज प्लीज एक बार कोशिश करके देख लीजिए. जी सर, हम प्रयास कर रहे हैं. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. जी जी, हम विषय की गंभीरता को समझते हैं. सर
सॉरी सॉरी, वो हमारे दोनों हाथ में बैग था इसलिए हम नॉक नहीं कर पाए। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए बैठिए। हाँ इट्स ओके, आप कर लीजिए। क्या? फोन आया था ना, आपका फोन चल रहा था, वो कट हो गया, कंप्लीट कर लीजिए। वैसे किसका फोन था? फोन कट नहीं गया था हसीना जी, हमने फोन काट दिया था क्योंकि बात खत्म हो गई थी। लेकिन आप क्यों जानना चाहती हैं कि हम किससे बात कर रहे थे? देखिए हसीना जी, ऐसा है कि हम डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं, दिन में दर्जनों के फोन आते हैं, तो हम हर फोन का हिसाब आपको नहीं दे सकते ना। ओके रिलैक्स, हमारा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, हमें तो आप बस थोड़े से परेशान लगे इसलिए हमने पूछ लिया। लेकिन अगर आपको इतनी दिक्कत है तो हम आज के बाद कभी नहीं पूछेंगे कि आप किससे बात कर रहे थे। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, हम समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है क्या इसलिए आप इतने परेशान हैं? एक काम कीजिए, आप आइए बैठिए, हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, आइए आइए। हम जो है आपको अपनी शॉपिंग दिखाते हैं जो हमारी अम्मी ने की है सगाई के लिए। सच कह रहे हैं, आप देखेंगे ना तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे कि हमारी अम्मी चाहती है कि हम अपनी सगाई में हम पूरे कार्टून लगे। तो आपका मतलब है कि आपकी अम्मी के लिए सगाई एक मजाक है? क्या हसीना जी, हमें पता है कि ये खुशी का विषय है, लेकिन इस सगाई को एक सर्कस और हमें जोकर क्यों बनाया जा रहा है?